पांच दिन को यहां से गिरफ्तार कर लिए, क्लाशनकोपों के साथ शीशे तोड़े, उनको धक्के मारे। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को बनी गाला से गिरफ्तार कर लिया गया। मुराद सईद का ट्वीट, कहा इम्पोर्टेंट हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, शहबाज गिल की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। सवाल किया कि किस किस को गिरफ्तार करोगे, कितने सहाफियों पर पाबंदी लगाओगे। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, शहबाज गिल को बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों में आए लोगों ने अगवा किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब की शहबाज गिल की गिरफ्तारी की मजम्मत, फौरी रिहा करने का मुतालबा, कहा ऐसे ओछे हटकंडों से डराया और दबाया नहीं जा सकता। इमरान खान की गिरफ्तारी या पीटीआई तोड़ने की मंसूबाबंदी, खूनी सियासत का आगाज होगा, यौम आजादी को यौम बर्बादी ना बनाएं। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा सियासत और इख्तदार से ज्यादा मुल्क की सलामती अहम है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला, चार जवान शहीद हो गए, शहदों में लांस नायक शाजीर, लांस नायक सज्जाद, सिपाही उमैर और खुर्रम शामिल हैं। आईएसपीआर का कहना है कि शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर और वजीर आजम समेत सियासी रहनुमाओं का फौजी जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। शौदा करबला की असीम कुर्बानियों को याद करने का दिन, मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस रवा दवा, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत छोटे बड़े शहरों में मजालिस अज़ा का इनेकाद, लाखों अज़ादारान का हजरत इमाम हुसैन और उनके रफाकों को खराज अकीदत। शौदा करबला की याद में अज़ादारों का पुरसा, जगह जगह पानी और शरबत की सबीलें, लंगर नजर न्याज का भी एहतमाम। जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में हजारों अहलकार तैनात। जुलूस के अतराफ की सड़कें बंद, फिजाई निगरानी भी जारी, कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल और डबल सवारी पर पाबंदी है। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ, एमएजन रोड पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। लाहौर में निसार हवेली से बरामद जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। क्वेटा में यौम आशूर के मरकजी जुलूस में हजारों अज़ादारान शरीक, रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद हुआ, पेशावर में मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन। नवासा रसूल ने हक के खातिर सर कटवा दिया, मगर बातिल कुवतों के सामने झुकने ना दिया। यौम आशूर पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पैगाम, कहा जुल्म और जबर पर मबनी बातिल निजाम के खिलाफ हक और सच्चाई का अलम बुलंद करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क नाजुक सूरत हाल से दो चार है, हमें सबर, हिम्मत और यकसूई का मुजाहरा करना है। यौम आशूर पर दुनिया भर में मातमी जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी, करबला, बसरा और नजफ में लाखों अज़ादार नोहाकुड़ा, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जुलूस और मजालिस अज़ा का अहतमाम, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में भी अज़ादारों की नोहाखानी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा की मजम्मत, कहा झूठी खबरों से जिम्मेदाराना और आजाद सहाफत को ठेस पहुंचती है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के तदारुक के लिए इकदाम करना होंगे। बलूचिस्तान में मानसून का एक और स्पेल आने को तैयार, 10 से 13 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें होंगी, पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 16 अजला में सैलाबी सूरत हाल का खदशा, कराची समेत सिंध भर में आज से मजीद बारिश का इम्कान। मुल्क में कोरोना की मजीद 421 केसेस रिपोर्ट, मजबत केसेस की शरह 2.53% रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा शरह पेशावर में 12.88% रिकॉर्ड की गई। और मुल्क भर में यौम आजादी मनाने की तैयारियां उरूज पर, जगह जगह आरायशी अशिया के स्टॉल, शहरी जश्न आजादी मनाने के लिए पुरजोश।